शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एग्जाम हो रहा है। ये एग्जाम आज से शुरू हुआ है। बता दें 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को भी ये एग्जाम होगा। ऐसे में प्रदेश के कई हिस्सों में एप्लीकेंट्स का जमावड़ा देखने को मिला है। ये एग्जाम 60,000 से ज्यादा पोस्ट पर भर्ती के लिए किया जा रहा है। इस परीक्षा में 38 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट शामिल होंगे। वाराणसी में कैसा हाल है, हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं। स्क्रीन पर दिख रही एप्लीकेंट्स की भीड़ हरीश चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की है। एग्जाम देने आए लोगों के अलावा यहाँ यूपी पुलिस का भी बड़ा जत्था है। एग्जाम को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर की बात करें तो वाराणसी के 80 सेंटरों पर आज यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एग्जाम होने वाला है। पूरी व्यवस्था पर डीएम एस राजलिंगम ने खुद अपनी नज़र बनाई हुई है। बता दें डीएम खुद परीक्षा सेंटरों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। यहां आए एप्लीकेंट से लोकलिटी ने कुछ खास बातचीत की, उनका इस बारे में क्या कहना है सुनिए। ये सर श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज, क्या परीक्षा करना चाहते हैं? बस यही भोले बाबा से उम्मीद है कि सफल हूँ, बस और क्या सर। और ये पेपर जिस तरीके से हो रहा है, इतनी सुरक्षा में सफल हो जाए, लीक लाक ना हो, बस यही उम्मीद है। और में आए हैं, हमारा यही अपेक्षा है कि पेपर अच्छी तरह से हो जाए, पहले की तरह ऐसा ना हो कि जो पहले हुआ लीक हुआ ये सब, अब ये ना हो। और हम लोग जो आए हैं अपने तरह से पूरी कोशिश के साथ आए हैं, और जो प्रशासन अपना मतलब बना कर रखी व्यवस्था वो अच्छे से निभा जाए, हो गया। और पिछली तरह है कि भविष्य खराब ना हो, उनका अच्छे से हो जाए पेपर। बता दें देश भर में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में खास नज़र रखी जा रही है। एग्जाम सेंटर पर एंट्री के लिए बायोमेट्रिक का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा एडमिट कार्ड और एप्लीकेंट की फ़ोटो मैच की जाएगी, साथ ही अभ्यर्थियों की सीट के साथ भी फ़ोटो ली जाएगी। बता दें वाराणसी के काशी जोन की बात करें तो केवल काशी जोन में 53 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कोतवाली, सिगरा, चेतगंज, आदमपुर चौक, लक्सा, भीलूपुर, लंका और चितईपुर थाना क्षेत्र शामिल है। यहां के तमाम स्कूलों में एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा वरुणा जोन में भी 17 सेंटर बनाए गए हैं। बता दें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के साथ साथ कई जगहों पर परीक्षा जारी है। इन अभ्यर्थियों को सूबे की सरकार ने निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा भी दी है। एप्लीकेंट्स एडमिट कार्ड दिखाकर यूपी रोडवेज की सभी बसों में फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके लिए बसों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं, साथ ही 200 बसों को रिजर्व कर दिया गया है। यूपी रोडवेज की बस में निःशुल्क यात्रा करने के लिए एप्लीकेंट को अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी बस कंडक्टर के पास जमा करनी होगी। इसे परीक्षा देते समय और वापस लौटते समय दोनों बार जमा करना होगा। यूपी रोडवेज के अनुसार निःशुल्क बस की सुविधा 21 अगस्त की रात 12 बजे से शुरू हो चुकी है। ये सुविधा 26 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके बाद दूसरे चरण में ये सेवा 28 अगस्त की रात 12 बजे से 1 सितंबर तक फिर से शुरू होगी। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।